अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज 22 दिसंबर सन 2022 और सुबह के तकरीबन 5:40 हुए हैं और पीछे आपको रेक नज़र आ रहा है 38 डाउन फ्रीज एक्सप्रेस का, जो कि हाँ जी यही है जी यही है, जो कि प्लेटफॉर्म 2 पे आज प्लेस हो गई है और तकरीबन 4 महीने की बंदिश के बाद आज ये लाहौर से सुबह, मेरे ख्याल में इसका टाइम चेंज हो गया, पहले ये 6 बजे चलती थी और अब ये चलेगी 6:15 बजे, तो वो भी कंफर्म हो जाएगा। अपने सफ़र का आगाज़ करेगी लाहौर से कराची तक के लिए, तो बाकी मामला आपको बताने के बजाय दिखाते हैं। जी 24567 अटैच हो रहा है 38 डाउन फ्रीज एक्सप्रेस के साथ, जो कि इसको लाहौर से लेके समासट्टा जंक्शन तक जाएगा। अब रास्ता रायवंड जंक्शन, उसके बाद कसूर जंक्शन और फिर आगे पाक पतान, आरिफ वाला, बुरे वाला, बिहाड़ी और समासट्टा। और समासट्टा से इसको GU40 पैच होगा 9017, तो उसकी रीज़न भी आपको मैं बताता हूँ। लोकोमोटिव अटैच हो गया जनरल इलेक्ट्रिक का 2200 हार्स पावर का लोकोमोटिव, और अभी क्योंकि जो फ्रीज एक्सप्रेस है उसमें 3 कोचेज जो हैं वो एक्स्ट्रा लगा दी गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू एडिशन हुई है वो है बिजनेस क्लास की कोच, और इसके अलावा 2 इकोनॉमी क्लास की कोचेज जो हैं वो मज़ीद ऐड हो गई हैं। तो लोड हो गया 1836 का, यानी कि 18 कोचेज जो हैं वो अब फ्रीज एक्सप्रेस में इंक्लूड हुआ करेंगे। इसी वजह से जो पावर है वो भी मेन लाइन पे जब आएगी गाड़ी आगे समासट्टा से आगे कराची तक, तो वो भी बड़ी पावर जो है इसको GU40 लीड करेगी कराची तक। और इसी तरह कराची से जब 37 अब चलेगी तो आज रात को उसको GU40 लीड करेगा समासट्टा तक, और फिर समासट्टा से दोबारा GU20 जो है वो अटैच हो जाएगा लाहौर तक के लिए। जी पहले ही दिन जो फ्रीज एक्सप्रेस का ब्रेक वैन है वो तकरीबन समझ ले भर चुका है और माल लोड हो रहा है, तो सबसे पहली कोच 38 डाउन के साथ ब्रेक वैन, जिसमें आधी सामान रखने की कोच होती है और आधी इकोनॉमी क्लास की। तो आगे की कोचेज में आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट में ही इकोनॉमी क्लास की कोचेज़ हैं जिनकी तादाद 10.5 है, यानी कि आप 1100 कह लें, जिसमें 10 इकोनॉमी क्लास और एक ब्रेक वैन, और इसके अलावा 2 AC स्टैंडर्ड, 1 AC बिजनेस और 1 पावर वैन। तो टोटल 15 कोचेज़ हैं जो 38 डाउन के साथ निकलेंगी आज सुबह 6:15 बजे, और 3 कोचेज़ इसको अटैच होंगी समासट्टा जंक्शन से जो कि इकोनॉमी क्लास की होंगी। इकोनॉमी क्लास की कोच एक सजाई हुई भी है
और ये 11वीं कोच है, और उसके बाद आपको नज़र आएगी एसी डाइनिंग कार जो कि सीएनआर लगी हुई है। एसी डाइनिंग के बाद है जी एसी स्टैंडर्ड की कोच, ये भी सजाई हुई है। बिल्कुल खाली पड़ी हुई है पहले ही दिन। दो कोचेस हैं ऐसी स्टैंडर्ड की, और सबसे आखिर में पावर वैन, और उससे पहले बिजनेस क्लास की कोच जो कि रिसेंटली आज ही यानी कि ब्रीज एक्सप्रेस के कंपोजिशन के अंदर ऐड हुई है। और कराची तक चलेगी लाहौर से, ये भी आपको दिखाते हैं। सीएनआर कोच है, एंट्री के लिए कारपेट भी बिछाया गया है। अंदर के माहौल देखते हैं, ये भी आप बिजनेस क्लास की कोच देख रहे हैं, इसकी रफ्तारी में एक रेड कारपेट जो है वो बिछाया गया है। अंदर से काफी सजी हुई है। और ये कैबिन खाली है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से। इस कैबिन के अंदर भी जो है वो कारपेट बिछाया गया है। इसके अलावा मैगजीन अखबार जहाँ, डेली टाइम्स, और आवाज़ आपको जो न्यूज़पेपर है वो नज़र आ रहे हैं। टिश्यू बॉक्स भी मौजूद है, एयर कंडीशनिंग ऑन है यानी कि अब सर्दियाँ हैं तो हीटिंग ऑन है इस वक्त। इसके अलावा पिलो मौजूद है, उनके ऊपर ब्लू कलर के जो कवर्स हैं वो चढ़े हुए हैं। और टीवी जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा मुझे इस कैबिन के अंदर। एस्टमिलन कंपनी ने अपनी बिजनेस क्लास की कोच आज लगाई है, और उसके बाहर जो है वो कारपेट रिसेप्शन दी है। दोस्तों कोचेज आपने देख ली, ट्रेन बिल्कुल तैयार है कराची निकलने के लिए, और देखते हैं कि एस्टमिलन कंपनी की तरफ से कोई सीनियर ऑफिशियल आता है तो फिर मज़ीद जो मालूम आता है हम आपको उनसे लेकर देते हैं। दोस्तों गार्ड साहब की सीटी आपने सुन ली, सुबह 6:15 बजे डिपार्ट करेगी 38 डाउन। टाइम भी देख लिया आपने, लेकिन तकरीबन 4 महीने की बंदिश के बाद 38 डाउन फ्रीद एक्सप्रेस सुबह 6:15 बजे लाहौर जंक्शन छोड़ रही है। सवार हो चुके हैं 38 डाउन फ्रीद एक्सप्रेस में, और लाहौर जंक्शन से ट्रेन निकल चुकी है। रायबंद जंक्शन तक हम
ट्रेन के अंदर ही सफ़र करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि आपको कैब राइड दिखाएं कसूर तक। अल्लाह हाफिज़ मुजम्मिल भाई, रात हो। अल्लाह हाफिज़ इब्राहिम। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैदर शाह साहब जो एस जमील एंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे आप? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का जी। आज सुबह सुबह आपकी ट्रेन चल पड़ी है, सबसे पहले तो मुबारक हो आपको। और मैंने एक वीडियो किया था जिसमें आपकी ट्रेन और सर सैयद एक्सप्रेस के बारे में बताया था कि वो क्यों बंद है, और जिन मेरे व्यूअर्स ने वो वीडियो नहीं देखी थी उनको भी मैं बता दूं कि ये ट्रेन दोनों इसलिए बंद थी कि रेलवे ने नोटिफिकेशन दिया था सर सैयद एक्सप्रेस के ऑनर्स को भी और एस जमील एंड कंपनी को भी कि आप लोग अपने फेयर्स बढ़ाएं जैसे कि हमने अपनी सरकारी ट्रेन के बढ़ा दिए, और रिस्पेक्टिवली जो है फरीद एक्सप्रेस का जो फेयर था वो 41.5% और सर सैयद एक्सप्रेस का 35% बढ़ाने का ऑर्डर था। तो अभी हम शाह जी से पूछते हैं कि आप लोगों ने सबसे पहला सवाल यही है कि कितने फेयर जो हैं बढ़ाए हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप आए। आपके पहले सवाल का जवाब ये कि पाकिस्तान रेलवे ने सबके जो कराए हैं, सारे जो स्टैंडर्ड कराए हैं वो इंक्रीज़ कर दिए ऑल ट्रेन के, तो उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान रेलवे ने जो है फरीद एक्सप्रेस का भी जो है वो किराया इंक्रीज़ कर दिया है। एज़ पर शेड्यूल पाकिस्तान रेलवे के हमने भी अपने किराए उतने इंक्रीज़ करके और इसको जो है चला दिया। मकसद ये, इसके बगैर चारा नहीं था? अगर इसके बगैर ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल। अभी जो वैल्यू एडिशन है आपकी इस ट्रेन में वो बताइएगा कि क्या हुई है। देखिए, हमने जो भी कोई पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन हो उसके अंदर जो है प्रीमियम क्लास ना हो, जिसको कहते हैं बिजनेस क्लास ना हो, तो वो पैसेंजर्स को जो है इस रूट के जो है वो सर्विस नहीं मिल रही थी। बिजनेस क्लास की फैसिलिटी नहीं थी, कैबिन की फैसिलिटी नहीं थी, तो वो प्रेस्टीज नहीं आती ट्रेन के अंदर जब तक उसके अंदर बिजनेस क्लास ना हो। लोगों की फरमाइश के ऊपर के हम बिजनेस क्लास भी लगाएं, तो हमने मौके का फ़ायदा उठा के इसमें बिजनेस क्लास की कोच ऐड कर दिया। और बिजनेस क्लास में भी मज़ीद हम आगे बात करते हैं। फेयर्स अगर आपको याद हैं अभी तो फेयर्स काइंडली मुझे बता दें लाहौर से कराची के, इकॉनमी का, एसी स्टैंडर्ड का और एसी बिजनेस का। जो इकॉनमी क्लास का है वो 2800 रुपीज़ है जो लाहौर से कराची का फेयर है, और जो लोअर एसी है उसका 5200 रुपीज़ है, और जो बिजनेस क्लास है इसका बनता जो है वो 7200 के अराउंड है, जबकि हम जो है वो इसको सब्सिडाइज करके जो है 5900 रुपीज़ के ऊपर लाहौर से कराची इसका टिकट इशू कर। और ये जो सब्सिडी आप अपने बिजनेस क्लास की कोच में दे रहे हैं ये कब तक जारी रहेगी? हमारी कोशिश है कि ज़्यादा अरसे तक चले और ये इस रूट के लोग इसका बेनिफिट उठाएं, लेकिन ज़ाहिर है हमें हर चीज़ की कॉस्टिंग और उसको देखना पड़ता है, तो हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम इसको दे सकें, लेकिन ये एटलीस्ट 2 महीने तो इसको हम कोशिश करेंगे कि दें। अभी हम बात करते हैं बिजनेस क्लास कोच की, आप पैसेंजर को अपनी ट्रेन में सफ़र करने पे कैसे मजबूर करेंगे कि बिजनेस क्लास में वो सफ़र करे, क्योंकि ये ब्रांच लाइन से होकर जाती है ये ट्रेन, टाइम भी ज़्यादा लेती है, ऑब्वियसली इस पे इस रूट के गिर्द जो लोग रहते हैं वही सफ़र करेंगे, पर उनको भी आप लोगों ने फैसिलिटेट करना है, तो उसके लिए क्या सोचा है आपने? देखें, अब सारी पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन चल रही हैं लाहौर टू कराची, और भी डिफरेंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो है वो डिफरेंशिएट करती है वो सर्विस है, तो सर्विस के अंदर हमने कोशिश की है कि हम इस जर्नी को जो है ना, जो बिज़नेस क्लास की स्पेशली है, वो हम एक्सपीरियंस बनाएं, सिर्फ जर्नी ना रहे वो एक्सपीरियंस हो। उसके लिए हमने स्पेशली ट्रेन जो है वो स्टाफ इसके लिए अलग से हायर किया है, जो जो लोगों का कॉन्सेप्ट होता है प्रोटोकॉल का, तो हम कोशिश ये करेंगे अपनी कि पूरा प्रोटोकॉल जो है वो बिज़नेस क्लास पैसेंजर को दिया जाए, उसको जो है प्री नोटिफाई किया जाए अबाउट अराइवल ऑफ द ट्रेन,
उसके बाद उसको हमारा स्टाफ जो है वो प्लेटफॉर्म से रिसीव करे, रिसीव करके उसके कैबिन के अंदर, एलोकेटेड कैबिन के अंदर जो है वो बिठाए। फिर हमने नई बेडिंग प्रॉपर इसकी जो है दी है, और हमने इसको जो है सील्ड उसके तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला के, सील्ड जो है डेली बेसिस के ऊपर सील्ड होके, लॉन्ड्री होके सील होके आपकी जो है, यानी कि जो पिलो है या जो बेडिंग है वो सील होगी, सैनिटाइज्ड होके, लॉन्ड्री होके वो सील्ड होगी आपका, आप खुद अपने हाथ से खोलेंगे उसको। इसके अलावा मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर्स वगैरह और कारपेटिंग हुई भी देखी है, तो और मजीद बताएंगे क्या सहूलतें हैं। टीवी है, अभी मुझे नजर नहीं आ रहा था टीवी इसमें, तो ये जो है हमने कारपेट जो है इसको पूरा लगा दिया है, इसके अंदर जो है वो अच्छे टर्किश कारपेट्स लगा दिए हैं, बाहर जो है वो रनर लगा दिया है, रेड कलर का वेलकम रनर होगा। न्यूज़पेपर जो है डेली न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा, एक उर्दू न्यूज़पेपर होगा, साथ मैगजीन होगा, टिशू बॉक्स होगा। और जो आपने LCD की बात की, अब हर बंदा जो है ना वो टेक्नोलॉजी वाइज जो है वो बहुत एडवांस हो चुका है, तो हम क्योंकि हमारा बड़ा शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड के नोटिस के ऊपर हमें ये गाड़ी चलानी पड़ी, तो हम अरेंजमेंट्स कुछ नहीं कर सके। उनमें से ये है कि हमने बिल्कुल अरेंज किया हुआ था, और ये इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर लग भी जाएगा। हमने वीडियो ऑन डिमांड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है कि आप अपने मोबाइल से जो है बिज़नेस क्लास वाले लोग, यहाँ कहीं पे QR कोड पेस्ट होगा, आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली हमारे उस वीडियो ऑन डिमांड पोर्टल के ऊपर लॉग इन हो और जाएंगे। वो जो पैसेंजर है उनके लिए फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा शाह जी, अगर ये सब चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी हो जाती हैं जब तक पेट भरा हुआ ना हो, तो पैसेंजर की खाने पीने का क्या इंतजाम है, और वो कम्प्लीमेंट्री आप देंगे बिजनेस क्लास में या बाकी जो एसी स्टैंडर्ड वगैरह है, या क्या होगा उसका? इसमें जो है जो बिजनेस क्लास है उसके लिए हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स की हैं थ्रू आउट द जर्नी, और हम जो है ना बिजनेस क्लास से ये शुरू करेंगे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो है ना डाइनिंग कार का खाना अच्छा नहीं होता और जो है बिलो द स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि जाहिर है वो आउटसोर्स हुआ हुआ होता है डिफरेंट वेंडर्स को, और एट हाई कॉस्ट आउटसोर्स हुआ हुआ होता है, तो उनकी भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो क्वालिटी से बिलो खाना देते हैं। तो हमने इस चीज़ को जो है वो काउंटर करने के लिए जो है कंपनी ने इसका ये इनिशिएटिव लिया है कि हम खुद बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरी नई पैकिंग में और जो है वो बिजनेस क्लास के लोगों को खाना सर्व करेंगे, और जो डाइनिंग कार है वो हमारी कंपनी खुद ही मैनेज करेगी, और सबको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो तीन वक्त का खाना जो है बिजनेस क्लास में अभी दिया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इसको हम नोर एसी में भी और इकॉनमी में भी शिफ्ट करेंगे। आखिरी सवाल आपसे करूँगा और उसके बाद हम सफ़र अपना जारी रखेंगे, आपका क्रू जो है या वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आपकी ट्रेन में मुसाफिर को खींचने के लिए और उसमें उसको सहूलत देने के लिए, खींचने से मुराद के वो ट्रेन में अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर जो क्रू है आपकी, आपने कोई काम किया अभी तक? जी बिल्कुल, हमने जब आपके रनिंग ट्रेन होती है और आपका जो है वो एम्प्लॉयज़ जो है वे एंगेज होते हैं रेगुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, तो आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि उसको जो है वो प्रॉपरली सबकी ट्रेनिंग की जाए। फेज़ बाय फेज़ तो हम करते हैं डेफिनेटली, लेकिन लास्ट 4 मंथ्स में क्योंकि गाड़ी बंद थी और ये एस जमील एंड कंपनी के चेयरमैन सैयद जमील अब्बास नकवी साहब को एक क्रेडिट जाता है एज अ नेशनल स्पिरिट और लोगों की हमदर्दी अपने दिल में रखने की, कि उन्होंने 4-4.5 महीने जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को टाइमली पे किया इरिस्पेक्टिव के जो है वो आपकी ट्रेन चल रही थी या नहीं थी चल रही थी उनको। इवन आप अगर पूछेंगे लोगों से तो हमने बिफोर टाइम सैलरीज दी, जब हम पहले ये जो है कि हमारी 10th ऑफ द मंथ होती थी तो उन्होंने कहा कि ये ना कॉन्सेप्ट जाए कि हम नहीं देना चाहते, तो हम बिफोर टाइम उनको सैलरीज देते थे। तो उस दौरान हमने 4 मंथ्स में उनको घर बिठा के सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग ही कंडक्ट की है, और उसमें कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर जो है लोगों की परफॉर्मेंस हो, क्योंकि पैसेंजर से फ्रंट लाइन सोल्जर जो कंपनी का होता है डील करने के लिए वही एम्प्लॉयज़ होते हैं। चलें जी, आपकी जो ट्रेनिंग है वो आने वाले दिनों में नज़र आ जाएगी जब हम सफ़र करेंगे कराची तक, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हैदर शाह साहब। थैंक यू वेरी मच।
दोस्तों आपने हैदर शाह साहब जो MD हैं एस जमीलन कंपनी के, उनकी बातें सुनी। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लाहौर से कराची या कराची से लाहौर का एक सफ़र करेंगे AC बिजनेस क्लास में, और जो सर्विसेज हैं एस जमीलन कंपनी की उनको बहुत ही तनकीदी तौर पर इस दफ़ा मैं दिखाऊँगा, और सारी चीज़ें आप पहले भी देखते आए हैं। तो ट्रेन अभी हमारी बढ़ रही है कोल्ड लखपत रेलवे स्टेशन की तरफ, हल्की हल्की जो रोशनी है वो हो चुकी है। एक कोल्ड लखपत रेलवे स्टेशन पे 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन आगे बढ़ रही है। दोस्तों कोल्ड लखपत से निकलते ही ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है और बाहर शदीद किस्म की धुंध है, काफ़ी दूर तक जो है वो निगाह काम नहीं कर रही। तो मज़ीद जो धुंध है वो आपको उसका जो एडवेंचर है वो कैब से इंशाल्लाह दिखाएंगे, रायबंड से लेके कसूर तक। और ये चीज़ भी बता दूँ कि आज हमारा सफ़र लाहौर जंक्शन से कसूर तक का होगा, और उसकी एक ही वजह मेरी मर्ज़ी थी कि मैं इसमें कराची तक जाऊं, पर कल क्योंकि 23 दिसंबर है और 46 डाउन रावलपिंडी से निकलेगी सुबह 6 बजे, तो आज ही मुझे वापस रावलपिंडी रात को पहुंचना है और ताकि कल मैं सुबह उसको कवर करूं। तो इसलिए मैंने अपना जो प्लान है वो पोस्टपोन किया कराची जाने का फ्रीज एक्सप्रेस में। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम सफ़र करेंगे। तो कोल्ड लखपत से निकलने के बाद जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो रायबंड जंक्शन होगा। इस वक्त ट्रेन हमारी पास थ्रू हो रही है जिया बग्गा रेलवे स्टेशन से। दोस्तों अभी सुबह के 7:25 हुए हैं और 38 डाउन फ्रीद एक्सप्रेस अप्रोच पर आ रही है रायबंड जंक्शन पे। रायबंड जंक्शन तक हमने मेन लाइन 1 जो कि ड्यूल लाइन है उसके ऊपर सफ़र किया, और रायबंड से आगे का सफ़र हम रायबंड लोधरा ब्रांच लाइन के ऊपर करेंगे। जी रायबंड पहुँच चुकी है ट्रेन और मेरे ख्याल में यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, चलते हैं लोगों की तरफ। पहले ही दिन रायबंड से बहुत ही कसीर तादाद में पैसेंजर मौजूद हैं सवार होने के लिए। माशाल्लाह भाई जी, क्या हाल है, खैरियत से? तो दोस्तों तकरीबन 3 से 4 मिनट रायबंड जंक्शन पे ट्रेन रुकने के बाद रायबंड जंक्शन हम छोड़ रहे हैं, और सामने आप देख लें विजिबिलिटी कितनी लो है। से हम पकड़ चुके हैं रायबंड जंक्शन लोधरा ब्रांच लाइन, लोधरा तक फ्रीज एक्सप्रेस इसी ब्रांच लाइन पे अपना सफ़र जारी रखेगी। विजिबिलिटी दोस्तों आप
देख लें कितनी लो है। और ये ट्रेन क्रू की ही बदौलत जो है ट्रेन रवा दवा। इतनी लो विजिबिलिटी के अंदर जिसमें तकरीबन 50 फुट से आगे जो नज़र आना है वो बंद हो रहा है और उसमें ये ट्रेन रवा दवा रखे हुए हैं। इतनी ज़्यादा हॉकिंग का एक ही मकसद है कि आगे क्रॉसिंग है और उसको मतनबे किया जा रहा है कि ट्रेन आ रही है। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ ट्रेन ड्राइवर जनाब बशीर गुजर साहब मौजूद हैं जो आज 38 डाउन को लेके निकले हैं सुबह लाहौर से, और इनसे बातचीत करते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बशीर साहब, खैरियत से हैं जी? शुक्र अल्लाह का जी, आपकी आपको मुबारक हो जी। आपके इस रूट के ऊपर ट्रेन तकरीबन 4 महीने बाद बहाल हो रही है, तो आप क्या फीलिंग है आज आपकी? जी बड़ी अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी बात है, मेरा ये सेक्शन भी है तो बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ऐसे ही इसको शादो आबाद रखे। तो बाकी ये है कि आप जिस सेक्शन में अभी ट्रेन ऑपरेट कर रहे हैं इसकी जो परमिसिबल स्पीड है नॉर्मल कंडीशंस में वो क्या है? तो ये लाहौर से रायवेंड तक जो है 105 है, रायवेंड से कसूर तक 80 किलोमीटर है, और उसके बाद कसूर से लेकर लोधरा तक 70 किलोमीटर। तो अभी जैसे मौसम है बाहर बहुत शदीद किस्म की धुंध है, इसमें कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती हैं, कोई SOP होता है धुंध में ट्रेन चलाने के हवाले से? जी इसमें यही है कि सबसे पहले मतलब सेफ्टी फर्स्ट है कि जितना विजिबिलिटी है उसके मुताबिक गेट हैं, सिग्नल है, क्योंकि ये जो पैसेंजर होते हैं ये हमारे गेस्ट हैं, उनकी सेफ्टी भी मस्ट है। हमारे लोकोमोटिव है, हम खुद हैं कि सेफ्टी फर्स्ट है, बाकी अल्लाह की ज़ात है चलाने वाली, तो उन्हीं की मतलब नाम से इब्तदा होती है। तो आपका जो ये सेक्शन है इस पे आपके इल्म में है कि कितनी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स हैं लोधरा तक? जी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैन वाले भी हैं काफ़ी, तो उसी के हिसाब से मतलब ये है कि विसल बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, रेल ने अपने अकॉर्डिंग टू रूल जो है कोशिश की है हर चीज़ को कवर करने की, मतलब हम अकॉर्डिंग टू रूल वर्किंग करते हैं, तो उसी में सेफ्टी है। बशीर साहब ज़्यादा टाइम में नहीं लूँगा आपका क्योंकि आप मसरूफ़ हैं जी। आप जो लाहौर से निकलते हैं ट्रेन ड्राइवर वो इस ट्रेन को कहाँ तक ऑपरेट करते हैं? हम सर पाक पतन तक, और फिर वापस आप किस ट्रेन से आते हैं? तो उधर स्टे करेंगे सर, कल वाली जो है 37 अफरीद एक्सप्रेस वो लेकर लाहौर वापस आएंगे। चलें बहुत शुक्रिया बशीर गुजर साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही आपसे मुलाकात हो
देख रहे हैं आप बहुत शदीद है, हद निगाह ना होने के बराबर है, पर पाकिस्तान रेलवे अपनी रेलगाड़ियों को रवा दवा रखे हुए है। राजा जंग रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन छोड़ चुकी है और आने वाला रेलवे स्टेशन होगा राव खान वाला, पास थ्रू होगी ट्रेन वहाँ से, और पहला स्टॉप जो होगा वो इंशाल्लाह कसूर जंक्शन पे करेंगे हम। रीज़न है धुंध, बहुत ज़्यादा धुंध है बाहर, आप देख लें बहुत ही लो है, हद निगाह बहुत ही कम, और चार महीने के बाद ट्रेन पहुंच रही है कसूर, और उसके इस्तकबाल के लिए रेल फैंस भी मौजूद हैं और काफ़ी तादाद में पैसेंजर भी नज़र आ रहे हैं कसूर रेलवे स्टेशन पे। ये था 38 डाउन का इनॉग्रल रन, इसमें हमने आपको लाहौर से लेके कसूर
जंक्शन रेलवे स्टेशन तक का ट्रैवल दिखाया। इंशाल्लाह एक कंप्लीट जर्नी भी जल्दी करेंगे कराची तक का या कराची से लाहौर तक का, और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जी कसूर जंक्शन से डिपार्चर हॉर्न हो गया है और ट्रेन आगे बढ़ेगी पाकपतन और आगे बुरे वाला विहाड़ी और लोतरा और फिर उससे आगे कराची। और हम यहां आपको अलविदा कहेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं कसूर के रेल फैंस और इनसे इंशाल्लाह जब कसूर स्टेशन बनाने आएंगे तो फिर सबसे फर्दन फर्दन मुलाकात भी होगी। तो शकील भाई मौजूद हैं यहाँ पे, आपका बहुत शुक्रिया जी आप मिले हैं हमें। तो दोस्तों अभी डिपार्चर आप देख रहे हैं,